ਬੇਟਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਚੀਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਰੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ 6 ਜਾਂ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ दुख तकलीफा का कारण की है रीजन की है ठीक है इंसान इस दुनिया दे विच पैसा होने के बावजूद धन दौलत मकान कोठी जमीन जायदाद होने के बावजूद भी दुखी है उसका कारण की है नेक्स्ट आप पॉइंट एक्सप्लेन करांगे ठीक है जो इंसान देखो जो सारा कुछ परमात्मा ने दिता है ठीक है एक तंदुरुस्त शरीर दिता धन दौलत दिती जमीन जायदाद दिती औलाद दिती पर फिर भी इंसान जेड़ा कि दुखी के क्यों है इहदा रीजन है कि मनुख दियां इच्छावां है वो खत्म होंदा ना ही नहीं लैंदियां जे एक इच्छा उहदी पूरी हुंदी है तां उसकी दूसरी इच्छा जाग जांदी है जो कि साडे दुख तकलीफ का कारण बनती है ठीक है ते यही दुख तकलीफ सानू जिहड़ी की है साड़ी बाद विच बहुत वड्डी बीमारी का भी कारण बनती है ठीक है इंसान जे अज इंसान नूं सिर दर्द है बहुत सारिया बीमारियां घिरिया होया है उहदा कारण की है उहदियां इच्छावां ही हन उह दूसरिया दे वल देख के दुखी हुंदा है कि मैनू यह चीज क्यों नहीं प्राप्त हुई भाव कि परमात्मा ने जो कुछ दिता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖੋ ਉਸਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਉਸਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਲੜਾਈ ਚਾਹੇ ਲੜਾਈ ਲਿਖ ਲਓ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ
गांधी जी अहिंसावादी से इंसान है, गांधी जी शांति विश्वासी। सुनो कि दुनिया के जितने भी बड़े अमीर राजे महाराजे जिहड़ी पूरी दुनिया नूं ही जीतण दा सुपना लेके आए सी कि असीं पूरी दुनिया ते ही जीत हासिल करनी है, पर अखीर ते ओह सिर्फ खाली हाथ अखीर ते सिर्फ ओह खाली हाथ ही वापस गए। एक एग्जाम्पल नहीं है जिवें तुसीं सिकंदर वाला पढ़िया होना है हिस्ट्री दे विच कि सिकंदर जिहड़ा कि इह सुपना लेके आए सी कि मैं सारी दुनिया ते जीत हासिल करनी है, पर अखीर ते जदों दी मौत होई दुनिया नु जितना है किसी दे दिल दे विच अपने लिए मरण तो बाद भी गल करो दूसरिया दी मुसीबत विच मदद करके कदे किसी नूं माड़ा शब्द ना बोल के, ठीक है। जे असीं दूसरिया दी मदद करांगे माड़े शब्द नहीं बोलांगे फिर आपां मिठा नीवी नानका लिख लांगे, ठीक है। मिठा नीवी गुरु नानक देव जी ने अपनी बाणी च कहा कि मिठा नीवी अच लिख लेना, ठीक है। मिठा नीवी नानका पुंच गए तत् भाव की जे असीं मिठा धारण करांगे मिठा बोलांगे निमरता धारण करांगे तां असीं संसार नूं जीत सकते हाँ, हिंसा नाल नहीं प्यार दे नाल। लिखो हिंसा नाल संसार नूं नहीं जीते आ सकदा। दुनिया दे जिन्ने भी बड़े बड़े राजे महाराजे हुए हैं जो कि पूरी दुनिया नूं जीतन दा सुपना लेके इस दुनिया दे विच आए सन, जिवें कि सिकंदर पूरी दुनिया नूं जीतण दा सुपना रखदा सी पर अखीर ते ओह सिर्फ खाली हाथ वापिस गया। ना तां उसदे नाल उहदी धन दौलत गई, ना तां उहदे नाल सुपना लेके आया सी, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹਾਥੀ ਵਾਪਿਸ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੰਦ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ मन नूं किवें जित्या जा सकता है। हुण आपां किसे वेबसाइट तों किसे दे आपां मन नूं जां अपने मन ते किवें अपने मन ते ते दूजे दे मन किवें दे सकदे आ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹਮ ਗੀਤਾ ਦੇ ਬਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਤੁਕ ਮਿੱਠਾ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਐਸੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋ ਲਿਖਣਾ, ठीक है। गुरु नानक देव जी की लिखी तुक मिठा नीवी नानका गुण चंगाइया तत् नूं अपनाना चाहिए है। वही सेम लिखना पाए, ठीक है। मिठा नीवी नानका गुण चंगे तत् नूं अपनाना चाहिए है। सारिया नाल मिठा ते प्यार नाल बोलना चाहिए है।
ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੁਕ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠਰ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਸਿਹਗੇ ਸਤਿ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ मन जीते जल्दी जब पॉइंट लिखा गए नहीं तो ऐसे कंप्लीट ही होगा ठीक है बेटा क्लियर है लास्ट पॉइंट सारांश बेटा सारांश दी जेड़ियां लाइंस लिखवावांगी ना जेड़ी मर्जी तू कर ले तुसी एज इट इज तो लाइना लिख सकदे हो एक लाइन थोड़ी ऐड करके लाइना लिख सकदे हो लिखो सारांश कंक्लूजन एक बार बेटा बोलिया ते सानू किवें जितना है सानू गुरु नानक तेज लिखी तुक मिठा नीवी नानका गुंज गए तत् दे आधार ते चलना चाहिए मिठा बोलना चाहिए निम्रता धारण करनी चाहिए किसी दा दिल नहीं दुखाना चाहिए अपनी इच्छावां ते काबू रखना चाहिए है इस प्रकार असी कह सकते हां कि सानू गुरु नानक देव जी की गुरु नानक देव जी की लिखी हुई बाणी के आधार से या उन्होंने दियां दित्तियां हुई या उन्होंने दियां दित्तियां हुई सिख्यावां के आधार से चलना चाहिए है ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ
अपने मन ते काबू पा लैंदा है। ओ व्यक्ति एक आदर्श जीवन जींदा है, एक आदर्श जीवन जींदा है। उस व्यक्ति दे विच मिठास अते निमरता, उस व्यक्ति विच मिठास अते निमरता आ जांदी है, उस व्यक्ति विच मिठास अते निमरता आ जांदी है। अजिहा व्यक्ति ना केवल अपने जीवन विच सच्ची अते सुची खुशी हासिल करता है। अजिहा व्यक्ति ना केवल अपने जीवन विच सच्ची अते सुची प्राची सच्ची अते सुची खुशी हासिल करता है, सगो दूसरिया नू भी खुशी दिंदा है, सगो दूसरिया नू भी खुशी दिंदा है। अते होरना नू भी अपनी संगत नाल तार दिंदा है। आप कहने ना जेहो जी संगत जैसी संगत वैसी रंगत, भाव कि जे आप अजिहे व्यक्ति नाल बैठांगे गलबात करांगे जिहदे विच मिठास होएगी निमरता होगी जिहदा अपने मन ते काबू होएगा जिहड़ा दूसरा उहनू देख के दुखी नहीं होएगा ते दूसरिया नू भी जिहड़ा कि उह अपने वर्गा बना लैंदा है। पर जे असीं आप चंगे इंसान ना जे माड़े इंसान नाल उठन बैठन बैठ जाएंगे तो साढ़े विच भी उहो जे गुण आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह जिहा व्यक्ति अपनी संगत नाल दूसरिया नू भी तार दिंदा है। अजिहा व्यक्ति अपनी संगत नाल दूसरिया नू भी तार दिंदा है, भाव कि उस नू दसिए ना भाव कि उस नू भी जिहड़ा की है इस जिहड़े की है अब कहना है दुखा तकलीफां तो उपर उठा लैंदा है। नेक्स्ट लिखो, अजिहा व्यक्ति सारिया दे सत्कार दा पात्र बनदा है, अजिहा व्यक्ति सारिया दे सत्कार दा पात्र बनदा है। कोटेशन लिखवावांगी जेड़ा मर्जी लेख आवे च लिख देनी, ठीक है, दो मिनट कोटेशन लिखो बेटा, वो लिखवावांगी ना जेड़े सारे चार में लिखो, सच्चे मार्ग चलदिया उस्तद करे जहान, कोटेशन लिखो, सच्चे मार्ग चलदिया उस्तद करे जहान, भाव कि जो इंसान सच दे रस्ते ते चलदा है ओदा हर कोई उस्तद करदा है, भाव कि हर कोई दी प्रेस करदा है, उस्तद मतलब प्रेस करना। सच्चे मार्ग जो इंसान सच दे रस्ते ते नेकी दे रस्ते ते चंगियाई दे रस्ते ते चलदा है हर कोई जेड़ा कि उसकी प्रेस करता है प्रशंसा करता है, हां जी बेटा। लास्ट लाइन बोली बेटा, सच्चे मार्ग चलदिया उस्तद करे जहान, ताकि जो इंसान सच रस्ते ते नेकी दे रस्ते ते चंगियाई दे रस्ते ते चलदे आन हर कोई ओदी प्रशंसा करदा है उस्तद करदा है।
क्लियर बेटा? ओके बेटा, कल वाले सिर्फ तीन पात्र सारी करके आना, एक सिरजना दी, ठीक है, तीन देनी है, सिरजना, बीजी ते कुलदीप, तीन पात्र सारियां, सिरजना, कुलदीप ते थर्ड है बीजी, ठीक है, ते वन मास क्वेश्चन, देन विस्मिक वाला टॉपिक, विस्मिक चुनो ते किसन, विस्मिक पढ़ो या कोई विस्मिक दी परिभाषा, ठीक है। एक बारी मैं विस्मिक दी वाइस करवा दनी है, कल अपन लेटर कविता कल कर लेंगे। नेक्स्ट है टॉपिक विस्मिक, ठीक है, विस्मिक दी कोई भी परिभाषा, पहला अपन विस्मिक दी किस्म, फर्स्ट किस्म है संबोधनी वाचक विस्मिक, संबोधनी वाचक विस्मिक केड़े होंदे है, ओ विस्मिक जो किसे नू आवाज मारन लई या किसे नू बुलान लई वरते जान, जे एग्जाम दे विच आएगा टेस्ट विच संबोधनी वाचक विस्मिक दी परिभाषा लिखो, फिर तुसी मैनू लिखनी है, ठीक है, ओ विस्मिक जो परिभाषा च लिखना है, ओ विस्मिक जो किसे नू बुलान लई या आवाज मारन लई वरते जान, जिवें नी कुड़िए, वे मुंडिया, ठीक है, ओए। नेक्स्ट है सेकंड प्रशंसा वाचक विस्मिक, प्रशंसा वाचक विस्मिक केड़े होंदे है, ओ विस्मिक जो मन दी खुशी दे भाव, जे विद भाव वर्ड नहीं ना लिखो है, गलत है, ओ की ने मन दी खुशी दे, मन दी खुशी दे भाव वर्ड जो लिखना है, ओ विस्मिक जो मन दी खुशी दे भाव नु प्रगट करन, ठीक है, ओ की ने हुंदे है प्रशंसा वाचक विस्मिक, जिवें वाह, बल्ले बल्ले, शाबाश, ठीक है, ते ओदे तो बाद तुसी विस्मिक चिन्ह भी पाना है, ठीक है, वाह, बल्ले बल्ले या शाबाश। नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड है शोक वाचक, शोक वाचक विस्मिक केड़े होंदे है, ओ विस्मिक जो मन दी गमी दे भाव, ठीक है, जो मन दी गमी दे भाव नू प्रगट करन, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, ओदो गम सानू गमी हुंदी है, दुख हुंदा है, जिवें आपां कहिंदे हाए या हाए राम या हाए मां, हाए रब्बा, ठीक है, हाए दाता, ठीक है, हे। नेक्स्ट है फोर्थ विस्मिक, सत्कार वाचक विस्मिक, सत्कार वाचक मतलब जदो साडे विच किसे लई रिस्पेक्ट पैदा होवे, सत्कार पैदा होवे, सत्कार मतलब ओ विस्मिक जदो साडे घर कोई मेहमान आंदा है, आपां उहदी रिस्पेक्ट करदे आ, उदो साडे मन दे विच किसे लई सत्कार दे भाव पैदा होंदे, आदर दे, जी आया नू धन भाव, आओ जी या आइए जी। नेक्स्ट है हैरानी वाचक विस्मिक, हैरानी मतलब जरो साडे मन दे विच किसे लई हैरानी दे भाव, जदों आपां किसे चीज नू देख के यकदम हैरान हो जाने, चौंक जाने, उन्हें कहते हैरानी वाचक विस्मिक, जिवें वाह भाई वाह है, ठीक है, आप कहते है, ठीक है, वाह भाई वाह, आहा, ठीक है, आहा, उधर कहते हैरानी वाचक विस्मिक।